नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। कंगना रनौत बॉलीवुड में अपना दमखम दिखाने के बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव में भी लगता है अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जनता चाहती है और बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और उन्हें महापुरुष कहा। एक्ट्रेस ने कहा है कि ये दुख की बात है कि पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों प्रतिस्पर्धी हैं। मोदी जी के लिए दुख की बात यह है कि मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी से है और राहुल गांधी के लिए दुख की बात यह है कि उनका मुकाबला राहुल से है। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि उनका कोई विरोधी नहीं है, वो खुद ही खुद को पुश करते हैं। राहुल अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए रनौत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के झूठे वादों में नहीं फंसेगा। हिमाचल के लोगों के पास खुद का सोलर पावर है और लोग अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। हिमाचल के लोगों को मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। आगे इन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहती हूँ कि राजनीति में और भी लोग आए। वहीं एक बार फिर बॉलीवुड को भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अब दर्शक जागरूक हो गए हैं, ये अच्छी बात है। जनता अब बदल गई है, वो कह रही है कि ये सब अब नहीं चलेगा। वो कह रही है कि काम करके दिखाओ, स्टार कल्चर भी खत्म हो रहा है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.tajibity.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।